स्टेटमेंट का है, तो चलिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन एक्टिविटी आती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जब हम तीनों एक्टिविटी को एक साथ लिख देते हैं तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या पार्ट्स आते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट को लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो हमें जो नेट प्रॉफिट लेना है वो किस तरीके से लेना है, तो हमें जो नेट प्रॉफिट लेना है वो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर लेना है, यानी कि हमें दोनों एलिमेंट दिए होंगे करंट ईयर के भी और प्रीवियस ईयर के, तो हमें दोनों का डिफरेंस लेना है। और डिफरेंस कैसे लेना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो जो अमाउंट आएगा वो आप यहां पर लिख दीजिएगा। उसके बाद ये चार एलिमेंट है इसे आप याद कर लीजिए, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स में आपको मेड वाला लेना है। मेड और पेड में फर्क मैं बता देता हूं, मेड का मतलब है करंट ईयर एंड पेड का मतलब है प्रीवियस ईयर। तो अगर मैं यहां पर मेड लिखता हूं तो आप समझ लेना कि ये करंट ईयर का अमाउंट है, ठीक है। तो दूसरा अगला जो पॉइंट आता है प्रपोज डिविडेंड। देखिए प्रपोज डिविडेंड में कुछ चेंजेस आए हैं, अब हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर का अमाउंट ही जो है आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी वही लेना है और सेम अमाउंट आपको जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी वही लेना है। तो इसमें वो जो पहले का झंझट था कि करंट ईयर जो है हम यहां शो करते थे एंड प्रीवियस ईयर यहां, अब वो नहीं है, अब हमें हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर यहां लेना है और प्रीवियस ईयर का वही अमाउंट आपको यहां पर लेना है, ठीक है। तो चलिए अगला है इंट्रीम डिविडेंड, ये आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा तभी लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। अगर जनरल रिजर्व बाय चांस दिख जाता है आपको बैलेंस शीट में तो उसका भी हमें करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर लेना है और उसके अमाउंट को शो कर देना है, ठीक है। तो चलिए, जब आपका ये सारे एलिमेंट जब आप इसमें ऐड कर देते हो तो ये आ जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी आपका एक प्रोसेस हो चुका है। तो हम इसके बाद जो है ऐड करते हैं नॉन कैश चार्जेस, नॉन कैश चार्जेस बोल लो या नॉन कैश एक्सपेंस बोल लो, जिसमें आपके मेन मेन एलिमेंट जो है वो मैंने यहां लिख रखे हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, गुडविल। गुडविल कब लेना है, जब ये कम हो रहा हो यानी डिक्रीज हो रहा हो। और दूसरा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, यानी अगर कोई भी फिक्स एसेट को सेल कर रहे होंगे, या एडजस्टमेंट में ही दिया होगा कि अगर हम किसी भी फिक्स एसेट को सेल कर रहे हैं और उसमें लॉस हुआ है तो आपका एक्सपेंस है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो इनकम है माइनस होगा, ठीक है। अगला है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है नॉन कैश एक्सपेंस में लेना है और साथ साथ इसका इफेक्ट आपका यहां पे भी पड़ सकता है, जो कि इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड में यहां लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपका यहां पर भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, यानी दो जगह इसका इफेक्ट पड़ना है। तो चलिए, तो आप जब इस सारे एलिमेंट को प्लस माइनस कर लेंगे तो आपका ये अमाउंट निकल के आएगा, तो जब आपका ये अमाउंट निकल के आएगा तो हम इसे बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, यानी आपका जो ये अमाउंट निकल के आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल निकल के आया है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें दो चीजें ऐड करनी है, पहला है डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और जो लेस करना है आपको वो है इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो जब आप ये सारी चीजें इसमें ऐड और माइनस करके जो अमाउंट निकालेंगे वो आपका जो निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, यानी यहां से लेके यहां तक का जो भी प्रोसेस निकल के आया है उसको हम बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, लास्ट चीज इसमें हमें जो है माइनस करनी है वो है इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स है वो यहां पर पेड वाला लेना है। देखिए एक टैक्स यहां है जो कि मेड है और एक है जो यहां पर पेड है, यानी मेड वाला ऐड होगा और पेड वाला यहां पे लेस होगा। तो जब हम यहां पे लेस कर देंगे तो अब हम यहां पे अमाउंट चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। अगर पॉजिटिव में है तो हम बोलेंगे कैश फ्लो या कैश इनफ्लो या कैश यूज फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि अगर पॉजिटिव में आया है तो इनफ्लो और अगर नेगेटिव में आया है तो आउटफ्लो या यूज। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो खत्म हो गया है। ठीक है, तो आप जो ए पॉइंट आपका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी था वो आपका खत्म हो चुका है। अब जो है हम दूसरा प्रोसेस पे पढ़ेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ठीक है।